दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CSER Jobs Online में। दोस्तों बात करेंगे यूपी DLED यूपी BTC का फॉर्म आपको कैसे ऑनलाइन करना है, उस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर बताता हूँ आपको कहाँ से ये ऑनलाइन करना है और कितनी फीस देनी है आपको। इसमें सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, जो है सरकार रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा आप इस पर रिजल्ट इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर लिख रहा है यूपी DLED 2023 अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जनरल OBC के जो है 700 रुपये फीस रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ें देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल OBC के 700 रुपये और SC ST के 500 रुपये, अगर विकलांग के आप तो 200 रुपये लगने वाली है। और अप्लाई की डेट की तारीख की बात करें तो 2 तारीख से अप्लाई डेट हुई है और 27/6/2023 इसकी शाम के 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ एज की बात करें तो 18 से 35 उम्र मांगी है और बाकी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% के मार्क्स के साथ, और SC ST के जो है 45% आपके चल जाएगी। जनरल OBC EWS वाले के 50% होने चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिकर लिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक जो है जो एक और पेज ओपन होएगा इस तरह का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और जो है ऑप्शन खुल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब इस तरह का ऑप्शन खुल गया, आपको कुछ नहीं करना है, ये पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहो तो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे टिक करना है। जैसे दोस्तों आप टिक कर देंगे, यहाँ पे लिख रहा है पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो है मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ क्या करना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मदर का नाम लिखना है, फोर्थ कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद अपनी कास्ट चुननी है जो भी आपकी कास्ट है दोस्तों। अब उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जो है इसे एनए करना है, जेंडर मेल है या फीमेल है, ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, और आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की अपनी डिटेल डालनी है, जो भी आपने ग्रेजुएशन BA BCOM ज्वाइन किया है वो डालनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ भर के फटाफट। अभी दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे SBI पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना है तो आपको अदर डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है, फिर से कंफर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आधा जो अपना
एटीएम का नंबर लिखना है 16 नंबर का, उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर नाम डालना है अपना जो भी आपका बैंक में नाम है, उसके बाद सीवीवी नंबर और ये वाला कैप्चन यहाँ पर डालना, पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप डाल देंगे आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।